अस्सलाम वालेकुम, राना एहतिशाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया पैराडाइज़ में, बहरिया पैराडाइज़ के प्रिसेंट 47 और 48 में, और हमारे साथ मौजूद हैं शबाज़ मतियाना साहब। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रिसेंट में के सराउंडिंग में क्या चीज़ आती है और इसकी लोकेशन किधर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शबाज भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शाम भी आप सुनाएं, ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। शबाज भाई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्रिसेंट 47 की लोकेशन कौन सी है। अगर हम प्रिसेंट 47 और 48 की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये बहरे के मेन गेट से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले में ये प्रिसेंट मौजूद हैं। जैसे ही हम पैराडाइज़ के अंदर हम इंटर होते हैं तो हमारी राइट साइड के ऊपर जो हमें प्रिसेंट देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले प्रिसेंट 47 और उसके बाद प्रिसेंट 48 है। और हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि इसकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। श्याम भाई, इन इस प्रिसेंट की जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छी सराउंडिंग है। सबसे पहले इन प्रिसेंट को जो ग्रैंड जामा मस्जिद है, जो बहरी की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, इन प्रिसेंट को फेस कर रही है। और इसके अलावा पैराडाइज़ के जो विलाज़ हैं ये भी प्रिसेंट 48 के बिल्कुल करीब हैं। और इसके अलावा मेन जना एवेन्यू को ये प्रिसेंट जो पैराडाइज है वो फेस कर रहे हैं, और प्रिसेंट 49 भी इनको इसके करीब है। इनकी प्रिसेंट इस तरह से बहुत अच्छी और बहुत आला किस्म की इनकी सराउंडिंग है। और इधर डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं इधर प्लॉट लेके? अगर श्याम भाई, अगर हम इनकी डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो ये दोनों ही प्रिसेंट बहुत अच्छे प्रिसेंट हैं। ऑन ग्राउंड बहरी ने यहाँ पे पोजेशन दे दिया गया है, आपको लाइट्स, डीपी, स्ट्रीट वगैरह बन चुकी हैं। हम यहाँ पे प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे पार्क, लश ग्रीन पार्क बन चुके हैं, और प्रिसेंट 47 और 48 के अंदर जो काफ़ी घर अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, और 48 के अंदर ऐसा भी एक घर है जो कि जिसका ग्रे फॉर्म बिल्कुल रेडी हो चुका है और फिनिशिंग काम बड़ी तेज़ के साथ जारी है जी। और हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि प्रिसेंट 47 और 48 में रेट क्या चल रहे हैं, करंट रेट? अगर श्याम भाई, अगर हम 47 और 48 की अगर हम करंट प्राइस की बात करें, हमें मिनिमम 75 लाख से लेके यानी कि 85 लाख की ब्रैकेट में हमें एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। ये जो मैंने आपको प्राइस ब्रैकेट बताई है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, पोजेशन यूटिलिटीज कैटेगरीज के जो चार्जेस पेड नॉन पेड। अगर हम जो डीप का प्लॉट यानी कि मिनिमम्स लेंगे जिसके अंदर हमें नॉन पेड मिलेगा, पोजेशन यूटिलिटीज के चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, वो हमें तकरीबन 75 प्लस में माइनस में मिलेगा। अगर हम कोई कैटेगरीज प्लॉट लेते हैं जैसे कि कॉर्नर का प्लॉट, वेस्ट ओपन हो, उसमें कैटेगरीज के चार्ज भी पे हों और पोजेशन यूटिलिटीज के चार्ज भी पे हों, वो हमें तकरीबन 85 के प्लस माइनस में मिलेगा जी। जी शबाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को प्रिसेंट 47 और 48 के हवाले से अपडेट किया। जी नाज़रीन, आपको प्रिसेंट 47, 48 के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं गए हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।